हज कमेटी के नवनिर्वाचित चेयरपर्सन कौशर जहां ने आसफ अली रोड स्थित दिल्ली हज कमेटी के मुख्यालय में अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर कमेटी के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित चेयरपर्सन का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर कौशर जहां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद की वजह से आज उन्हें सम्मानित पद मिल पाया है। कौशर जहां ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अगले 3 महीने में होने वाली हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि हज यात्रियों को परेशानियों को खत्म किया जाए। नई हज पॉलिसी की प्रशंसा करते हुए कौशर जहां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का धन्यवाद किया। कौशर जहां ने कहा कि नई हज पॉलिसी से हज का कोटा बढ़ाया गया है, हज यात्रा 50,000 तक सस्ता हो गया है। इसके साथ ही हज में VIP कोटा खत्म कर दिया गया है, जिससे लगातार लोग हज यात्रा कर पाएंगे। दिल्ली में प्रस्तावित हज मंजिल को लेकर कौशर जहां का कहना है कि उन्होंने अभी पद संभाला है, उस पर भी काम किया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, जो मेरे साथ आएंगे उनका स्वागत है। और कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, एक कमेटी पे जब हम लोग सब हैं साथ तो आ जाएंगे और लोग भी। मैडम, मीटिंग अगर आप लेंगे, कोई मीटिंग अगर कमेटी की लेंगे, 4 लोगों का कम से कम फोरम होता है जी, और माना ही जा रहा है कि 3 लोग तो आपके साथ मीटिंग में होंगे जी, तो इस तरीके से कितना चलेगी कमेटी के 4 लोग ही नहीं होंगे। देखिए, ये इतना पाक साफ काम है और इतना सवाब का काम है कि मेरे ख्याल से वो लोग भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं, मना लेंगे, बिल्कुल मना लेंगे, हमारे बड़े भाई हैं भाई, बिल्कुल मना लेंगे। ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया था जिस चुनाव हुआ है कि फोरम पूरा नहीं हुआ, और आप जो चुनाव जीती हैं तो आपसे 3 वोट हुए हैं वहाँ पर, जबकि उन्हें ये चाहिए कि कम से कम 4 लोग जो है वो वोट सारे मतदान करें। देखिए, ऐसा है, इस विषय में तो मैं यही कहूँगी कि कोरम पूरा हुआ कि नहीं या फिर जो भी है, वो तो जो अधिकारी थे जो करवा रहे चुनाव, वो तो वो बेहतर जानते हैं हम लोगों से ज़्यादा। तो अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वही बोलते ना, अधिकारी बोलते कि भाई ये ठीक नहीं है। अच्छा, उस दिन आपके साथ जो है वो सांसद, हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी मोहम्मद साहब जी, लेकिन साथ भी इस वक्त यहाँ पर आपके जो है नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, आएंगे, वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आज आपने जो है उनको, आज देखिए, आज पहला दिन है, आज मैं पहले खुद तो चार्ज ले लूं। नहीं, इससे पहले जब भी कोई चेयरमैन चार्ज लेता था तो सारे मेंबर जो है साथ हुआ करते थे। ऐसा है, सबको सूचना पहुंचा दी गई थी, तो उम्मीद ये करें कि आगे बिल्कुल आएंगे, सब आएंगे जी, साथ हमारे छोटे भाई हैं, उनको आज उन्हीं के सहयोग से तो हम इस पद पर पहुंचे हैं। अच्छा, आप चेयरमैन का आपने पदभार संभाल लिया, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, प्राथमिकता तो यही होगी कि जो हमारे आज़मीन हज हैं उनकी जो मुश्किलात या जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, उसको मैं जितना हो सके ख़त्म करूं। उनको सबसे पहले तो मैं समझूं कि उनको क्या वो फेस कर रहे हैं, और वहां जाके उनकी यात्रा को और सुखद बनाऊं। मैडम, एक जो है बहुत बड़ा विषय है हज हाउस को लेकर, 2008 में जो है द्वारका में किसी सरकार ने जमीन अलॉट कर दी थी इसलिए हज हाउस के लिए, वो लंबी चल रहा है आज तक मामला, उसको लेकर क्या? भाई साहब, मैंने अभी चार्ज संभाला है, थोड़ा समय दीजिए, चीज़ें होंगी ठीक, थोड़ा समय दीजिए, अभी मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल सकती। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।